हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके फेस पे पिंपल्स के दाग हैं, स्पॉट्स हैं या फिर कोई चोट लगने के दाग हैं। तो मैंने आज आपके साथ दो फेस मास्क शेयर किए हैं जो आपके स्किन से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम दूर करेगा, पिगमेंटेशन हटाएगा, स्पॉट्स हटाएगा, पिंपल्स के दाग हटाएगा, आपके फेस पे अगर कोई चोट का दाग भी है तो उसे भी एकदम वैनिश कर देगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस मास्क हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं जिस तरह की मैंने वीडियो में किए हैं। अगर आप चाहें तो एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। दोनों करोगे तो आपको और अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, लेडीज़ हो, जितने भी आप खूबसूरत रहें, अगर आपके फेस पे किसी की तरह के दाग हैं, स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन के हैं या फिर पिंपल्स के दाग हैं या फिर आपके फेस पे कोई चोट का निशान है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे चल जाता है, डाउन चल जाता है। आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ खटकेगी कि मेरे फेस पे ये दाग है। आपके साथ जो फेस मास्क शेयर किए हैं, आप उसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके वो आपके फेस से सारे दाग धब्बे और चोट के निशान को वैनिश कर देगा। सबसे पहले आपने रेमेडी को देखना है, समझना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो दूध से बने फेस मास्क जो आपकी स्किन को बेदाग बना देंगे, पिगमेंटेशन होगी तो बिल्कुल हटा देंगे, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा, पिंपल्स की वजह से अगर आपके फेस पे दाग आ गए हैं, आपकी स्किन बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं है, एकदम डल हो गई है, अनइवन स्किन हो गई है, बहुत रूखी सी बेजान सी स्किन हो गई है, आपकी स्किन में जान डाल देंगे ये दो फेस मास्क। अब आप सोचोगे कि दूध से किस तरह से हो सकता है? जिस तरह की आप जानते हैं दूध हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसी तरह से ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें होती है विटामिन्स, बायोटिन, पोटेशियम, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, सेलेनियम और प्रोटीन से तो ये भरपूर होता है, इसीलिए हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूध आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं, फाइन लाइन्स आ गई हैं, उसे हटाता है, एजिंग साइन को स्लो करता है, दाग धब्बों और निशानों से छुटकारा दिलाता है। स्किन के लिए कच्चा दूध एक रामवान की तरह काम करता है। कच्चे दूध में विटामिन ए, डी, B6, B12, बायोटिन, कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत सारे पोषक तत्व से ये भरपूर होता है, जो आपकी स्किन को पोषण देने का काम करता है। कच्चा दूध आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है, इतना अच्छा होता है कच्चा दूध स्किन के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ऐसे फेस मास्क जिसे यूज़ करके आप अपने स्किन से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं और साथ साथ में अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं, स्पॉटलेस बना सकते हैं, यूथफुल बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपके फेस पे चोट लग जाए या फिर बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, उसके बाद जो दाग हो जाते हैं, दोनों ही सिचुएशन में चेहरे पर दाग रह जाते हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे फेस मास्क जो कि ये सारी प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे और आपकी स्किन को बेदाग बना देंगे। चेहरे पर दाग होने से चेहरा बहुत ही भद्दा लगता है, ऐसे में इन दागों को दूर करने के लिए लेडीज बहुत सारे उपाय अपनाती हैं मगर कुछ असर नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दूध से भी चेहरे के दाग धब्बे दूर किए जा सकते हैं? जी हाँ, दूध से चेहरे की डेड स्किन की परत पूरी तरह से रिमूव हो जाती है और चेहरे पर आने वाले दाग धब्बे भी हल्के हो जाते हैं। आज जो फेस पैक बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के जो दाग धब्बे हैं उनको ट्रीट करेगा, पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन में चमक आएगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी लगेगी। तो सबसे पहला जो पैक मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पैक किस तरह से बनना है, तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें ये पैक बनाने के लिए चाहिए वो है चंदन पाउडर। जैसे कि मॉनसून का सीजन है और बरसात की वजह से आप बाहर नहीं जा पाओगे, तो ये सारी चीजें जितने भी मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये आपके घर पे ही आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा चंदन पाउडर ले रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर फेस जितना आपको चाहिए आप फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर गर्दन पे या फिर कहीं भी आपके चोट लगी है उसे कवर करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से
ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाउडर दूध अमूल्य वाला, ये भी सबके घर में होता ही है। अगर आपके घर में ना हो तो आप भी इस तरह से 10 रुपये का पैकेट ला सकती हैं। पाउडर दूध भी मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून से ज़्यादा ही ले रही हूँ। आप भी इसी तरह से, मैंने जैसे पहले भी बताया है, अकॉर्डिंगली जितनी आपको रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट है, उतना ही लें। उसके बाद आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क। 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पे रॉ मिल्क ऐड कर लिया अच्छे से। अब इसे आपने मिक्स कर लेना है, लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने देने हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप यहाँ पे मिल्क और ऐड कर सकती हैं। सबको अच्छे से मिक्स करना है, फाइन पेस्ट बनानी है और धीरे धीरे आपने मिक्स करना है कि लम्स वगैरह ना आए। ये हो गया हमारा मास्क नंबर 1। अब हम बनाएंगे मास्क नंबर 2। मास्क नंबर 2 बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर चावल का आटा। ये आप घर पे भी बना सकते, बहुत सारी वीडियो में मैंने शेयर किया है कि आप किस तरह से इसे घर पे बना सकती हैं। नेक्स्ट आपने ऐड करना है विटामिन ई ऑयल। मैं यहाँ पे विटामिन ई ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल ना हो तो आप जो विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं ना, आप वो भी ले सकती हैं। 2 कैप्सूल आपने उसमें ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉप्स ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद आपने डालना है रॉ मिल्क, जो कि हमारा आज का मेन इंग्रेडिएंट है फेस मास्क बनाने के लिए। 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पे रॉ मिल्क ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से कर लेना है इसको मिक्स, ताकि ये बहुत ही फाइन सा फेस मास्क बनके रेडी हो जाए। बड़े आराम से आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। इसे आपने मिक्स करके ना 1 मिनट के लिए यूं ही रहने देना है, ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सारे इंग्रेडिएंट अपने में मिक्स हो जाएंगे तो ये और अच्छा पैक बनके रेडी होगा। तो आपने इसे यूं ही रहने देना है 1 मिनट तक। उसके बाद आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने फेस पे ये वाला मास्क अप्लाई करके इसे आपने 10 मिनट्स तक रहने देना है। 10 मिनट्स के बाद जब ये सूख जाए, आपने हल्का सा अपने हाथों में पानी लेके स्क्रबिंग करते हुए अपने फेस से इस मास्क को रिमूव करना है। और जब आप रिमूव करके अपना फेस वॉश करके देखोगे, आपको एक अलग ही आपके फेस पे ग्लो नज़र आएगा। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। देन आपने क्या करना है, दूसरा फेस मास्क अप्लाई करना है, अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहें तो एक फेस मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। दूसरे फेस मास्क को भी आपने इसी तरह से अप्लाई करना है। इसे आपने 15 मिनट्स तक रहने देना है। उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। इस चीज़ को आपने कभी स्किप नहीं करना है। देन आप देखोगे कुछ ही दिनों के यूज़ में, 15-20 डेज के अंदर अंदर आपके फेस पे हर तरह के दाग तो गायब हो जाएंगे, साथ साथ में चोट के निशान भी वैनिश हो जाएंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में आके आपने फीडबैक जरूर देना है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और शेयर तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव यू फ्रेंड्स।